ये हमारी बड़ी बाजी आई है और ये भैया दोज पे टीका करने के लिए आई है। क्या है, कोई तो 26 कोई 27 की ऐसे ही था, किसी ने तो किया गोवर्धन पूजा वाले दिन ही भैया दोज कर लिया, और क्योंकि ग्रहण की वजह से ना तो एक दिन का वो हो गया, तो इस वजह से कोई आज भी कर रहा है और कोई कल को भी। ये भैया दोज से पहले भी आ जाओ तो टीका तो तब भी हो ही जाता है, पर बुआ जी के यहाँ पे थी आज तो इसलिए बुआ जी ने आज किया। और बस बुआ जी हम सबको टिक्का करने के बाद और बच्चे गोलों से खेलने लगे। चाय ले लो अपनी, किस टाइम चलोगे दीदी को? तो अब हम जा रहे हैं देवबन दीदी के यहाँ पे भाई दोस्त के टीका कराने के लिए। कितना टाइम लगेगा दीदी? और भीड़ बहुत ज्यादा है ना आज मार्केट में, आधा पौन घंटा लगेगा कम से कम, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा है। भीड़ ज्यादा है, भैया दोज के आने वालों की है, जाने वालों की भीड़ है। हाँ, इस दिन तो भीड़ रहती है बाजार में, जाम भी काफी जगह लग रखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। और आज हम अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग करते हैं गाड़ी से, और गाड़ी में हम कहाँ जा रहे हैं? भैया दोज कल भी है और आज भी है, कोई कल कर रहा है कोई आज कर रहा है, और दीदी यहाँ पे भैया दोज आज है, और इसलिए हम दीदी के यहाँ पे देवबंद में हमारी दीदी है तो वहीं पर टीका कराने के लिए जा रहे हैं। और टाइम हुआ है 4 बजे है, 4 बजे निकले देवबंद में, पास में है, इतना टाइम लगता नहीं। और कल को फिर हम कल को भी चले जाते हैं, तो क्या है कल को दीदी अपनी नंद के जाएगी, तो फिर इस वजह से ही हम आज निकल चुके हैं। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, कल को क्या है कल को इन्हें और 2-3 जगह जाना है, इस वजह से भी हमने सोचा आज ही चले जाते हैं देवबंद में। तो बस दिखाते हैं आपको, बने रहिए आप रास्ता। ये आराम से कौशिक का तो सबको ही पता है, गाड़ी में बैठते ही मूड खराब हो जाता है इसका। और इधर देखो अक्षु का मुंह बहुत मूड खराब हो जाता है बेचारा जब भी गाड़ी से जाता है। और ये नहीं हम बहुत बहुत दिनों में जाते हैं कि गाड़ी में ज़्यादा दिन में, बच्चों को होता है ना जब ज़्यादा दिन में बैठो तो, पर इसका तो ये है बेचारा बैठते ही उल्टी करता है, तो इसको इसलिए मूड ऑफ ही रहता है इसका जब ये जाता है। तो बस यहाँ पे दीदी अभी चाय वगैरह हमने नहीं पी, पहले अभी घर से चले हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ क्योंकि इतनी दूर का रास्ता भी नहीं है, तो पहले बोलने लगे कि कोई बात नहीं आप पहले टिक्का ही कर लो। और भाई मेरा भी आ चुका था घर पे, पर यह है वो ना टिक्का नहीं कराया आज क्योंकि दीदी है नोएडा में गाज़ियाबाद में, तो वो वहाँ पे चला गया था, कल आएगा तो टिक्का वो कल ही कराएगा, तो इस वजह से ही। तो फिर मैं बुआ जी चली गई थी बुआ जी को भेज के, और भाई भी चला गया था, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी दीदी के पास। मैंने कहा दीदी को जाना था, दीदी जाएंगी कल अपनी नंद के यहाँ, तो इसलिए
टीका इन्होंने एक दिन पहले ही कर दिया था। और हमें वहाँ से आने में बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि हम देखो 4 बजे तो हम घर से ही चले थे और 4 बजे चलने के बाद हम वहाँ पे 5:45 के आसपास पहुँचे थे भीड़ की वजह से, वरना इतना टाइम नहीं लगता। पर रास्ते में भी थोड़ा टाइम लगा, टोल टैक्स पे भी हमें टाइम लग गया था। तो त्यौहार की वजह से मार्केट में, बाज़ार में तो भीड़ रहती है देखो, तो इस वजह से भी। फिर हम वहाँ से इतना जल्दी नहीं चले थे, हमें अंधेरा हो गया था वहाँ से चलने में ही, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। अब तो सर्दियों का दिन है तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो वहाँ से हम 7:15 के आसपास चले थे, 7:15 के आसपास ही चले थे। फिर भी 4 बजे के जाने के बाद भी, 4 बजे जाने के बाद भी हमें अच्छा टाइम मिल गया था बैठ के बातचीत करने का, बहुत ज़्यादा मन लगा। बच्चों का तो आने का मन ही नहीं था कि मम्मा हमें यहीं पे रुकना है, पर ये है कि भाई कल त्यौहार है, आना भी जरूरी था। आज मोला दिवाली है।